हेलो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और मैं खड़ी हूँ अंबुजा मॉल में। आप देख सकते हैं मैं आईनॉक्स के सामने खड़ी हूँ और आप यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी देख सकते हैं। लोग कितने एक्साइटेड हैं यहाँ मूवी देखने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं, क्योंकि आज रिलीज़ होने वाली है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, जो कि एक वर्ल्ड वाइड मूवी, मतलब वर्ल्ड में पूरी रिलीज़ होने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी मूवी होगी और लोग कितने एक्साइटेड हैं, तो इनके एक्साइटमेंट के पीछे क्या कारण है और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं लोगों में। और चलिए अब हम देखते हैं, प्रीव्यू लेते हैं लोगों की, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो का शो स्टार्ट होने वाला है। तो हम चलते हैं जल्दी से और उनके प्रीव्यूज़ लेते हैं अभी आज क्या होने वाला है मूवी में, एवेंजर में। खतरनाक मूवी है और मज़ा आएगा। अच्छा, तो आपने ट्रेलर देखा है? हाँ, बहुत बार। तो आपको ट्रेलर से क्या पता चलता है क्या होने वाला है मूवी में? हो सकता है किसी हीरो की डेथ हो जाए। और ओह माय गॉड, तो किसी हीरो की डेथ होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कौन से हीरो की डेथ होने वाली है? अब वो तो नहीं कह सकते, मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, कोई अंदाज़ा कुछ नहीं है कि हाँ कौन किसके पास पावर कम है, या कोई ऐसा है कि हाँ उसकी डेथ होने वाली है, ऐसा कुछ है? एक दो, जैसे कि लोकी। अच्छा, लोकी आपको लगता है लोकी का हो जाएगा डेथ? पूरा मार्वल का पूरा मूवी मैंने देखा। अच्छा, मतलब पूरी स्टोरी आपको पता है और आपने ट्रेलर भी देखा है, तो ट्रेलर के अकॉर्डिंग इस मूवी में क्या होने वाला है? बूम, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे को तो बहुत एक्साइटेड हो रहा है मूवी देखने के लिए। मूवी में बहुत सी मतलब मूवी मेरे को मतलब इतना एक्साइटेड हो रहा है कि मैं एवेंजर्स की सारी पार्टें देखा हूँ। उसमें से सबसे अच्छा मेरे को कैरेक्टर आयरन मैन लगता है। ओके, आयरन मैन लगता है। तो आपने ट्रेलर देखा है अभी का? हाँ, अभी का ट्रेलर देखा है, उसमें ब्लैक। तो ट्रेलर से क्या पता चलता है? ट्रेलर से पता चलता है कि अभी जो विलन है वो बहुत ताकतवर है। ताकतवर है, और कोई कोई उसे हरा नहीं सकता। ट्रेलर से लगता है तो बहुत औसम होगी मूवी। तो औसम होगी मूवी पक्का। आज तो बहुत धमाकेदार होने वाले, क्योंकि इस मूवी का बहुत दिनों सबका वेट था। हम लोग भी इसका हर मूवी फर्स्ट डे ही जाते हैं, आज ही फर्स्ट डे आए हैं। ओके, तो आपने पहले का सारा मूवी इसका पार्ट देखा है? हाँ, पहले का मैं दोनों पार्ट भी देखा है, फर्स्ट डे ही गया था दोनों दिन। तो कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें अलग से क्या होने वाला है, क्या अलग होने वाला है? ये कि सब जितने मार्वल के एवेंजर्स, मतलब वो हीरो थे, सब इसमें हैं। और ट्रेलर देख के भी ऐसा लगा कि धमाकेदार होने वाली मूवी, और दूसरे मूवी से ट्रेलर तो बहुत अच्छा था। ट्रेलर इतना अच्छा है तो मूवी कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा। ओके, तो कुछ अनुमान लगा सकते हो आप कि इस मूवी में क्या होने वाला है? Something new, something special. जैसे अभी तो इसमें मार्वल्स के सब सुपर हीरोज हैं, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है? आयरन मैन। ओके, आयरन, ऑलमोस्ट सभी का आयरन मैन फेवरेट है। आपका आयरन मैन? आयरन मैन, आपका भी आयरन मैन। ओके, चलो ठीक है, आप लोग जाइए अपना मूवी। और हल्क नहीं है? हल्क तो हल्क है कि आयरन मैन है, दोनों में कौन? आयरन मैन ज़्यादा अच्छा है। ओके, आयरन मैन क्यों ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि अब उसका तो बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि उसके बहुत सारे तीन पार्ट मैंने देखे हैं, तो बहुत अच्छा लगा इसीलिए। अच्छा, तो आयरन मैन आपको बेस्ट लगा तीनों पार्ट में, इसलिए आपका फेवरेट है। और कोई आपका भी वही? हाँ, उसको बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। ओके, उसमें मतलब उसके जब बात करता है तो उसमें कॉमेडी बहुत है, तो उसमें मज़ा आता है। बाकियों में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन आयरन मैन में ज़्यादा ही मज़ा आता है।